यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिका के खिलाफ 27 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई को रद्द करने का कोई आधार नहीं है। याचिका में ट्रायल कोर्ट में चल रही प्रोसीडिंग को रद्द करने की मांग की गई। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने केस को मेरिट पर ना पाते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट का केस शिकायतकर्ता की शिकायत पर नहीं, राज्य सरकार की ओर से कायम किया गया है। कोर्ट ने कहा ये एक स्वतंत्र अपराध है जिसे समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता। कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि शिकायतकर्ता से उनका समझौता हो गया है, इसलिए केस को रद्द कर दिया गया। वहीं इस याचिका का विरोध कर रहे अपर महाधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज है। उन्होंने कहा कि अजय राय का लंबा आपराधिक इतिहास है, समझौते के आधार पर केस को रद्द नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। बता दें कि वाराणसी MP MLA स्पेशल कोर्ट में केस का ट्रायल चल रहा था। मामले में पुलिस ने चार्जशीट 28 अक्टूबर 2011 को दाखिल कर दी थी। 2010 में अजय राय और चार अन्य के खिलाफ वाराणसी के चेतगंज थाने में FIR दर्ज हुई थी। मामले में IPC की धारा 147, 148, 448, 511, 323, 504, 506 और 120 बी और सेक्शन 7 ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट व सेक्शन 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रोविजन एक्ट में FIR दर्ज हुई थी। बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया। अजय राय यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ देश की बहुचर्चित लोकसभा सीट वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार भी हैं। उनका मुकाबला देश के प्रधानमंत्री से है। इसके पहले वो बिंड्रा से एक बार और कोलालसला से चार बार के विधायक भी रह चुके हैं।